फोल खोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805-266-080। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे पर आ रही बायोपिक फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब इस फिल्म के कारण दूसरी फिल्में अपनी रिलीज डेट आगे पीछे कर रही हैं। हालांकि हाल ही में इमरान हाशमी की फिल्म की रिलीज डेट को भी बदला गया है। खुद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने धमकी दे डाली थी कि वह किसी और फिल्म की इस फिल्म के साथ महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। शिवसेना की इस धमकी पर विपक्ष ने उसे आड़े हाथों में लिया है। उधर बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने इस मुद्दे पर एक नया रुख सामने रखा है। आमिर खान ने कहा है, महाराष्ट्र में बाल ठाकरे से बड़ा कोई स्टार नहीं है। ऐसे में कोई भी निर्माता हमेशा अपने बिजनेस देखता है, इसलिए लोग बाल ठाकरे देखना चाहेंगे। इसलिए कई निर्माता अपनी फिल्म इसके साथ रिलीज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इसके लिए शिवसेना पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने कहा, इमरान हाशमी की फिल्म चीट इंडिया की डेट आगे बढ़ाए जाने से साफ है कि यह फिल्म की शिवसेना के दबाव में आने से डेट को आगे बढ़ाया गया है। शिवसेना इस तरह दबाव नहीं बना सकती। अगर शिवसेना चाहती है उस दिन कोई फिल्म ना चले तो शिवसेना सभी सिनेमा हॉल बुक कर दे, सारी टिकटों को खरीद ले, लेकिन इस तरह दबाव बनाना गलत है। 23 जनवरी को शिवसेना प्रमुख रहे बाला साहब ठाकरे का जयंती है। ठाकरे फिल्म के मेकर्स इसी तारीख के आसपास अपनी बायोपिक रिलीज करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना के रिक्वेस्ट के बाद फिल्म चीट इंडिया के मेकर्स इसी हफ्ते अपनी पहली यानी 18 जनवरी को फिल्म रिलीज करना चाहते हैं। फिलहाल बॉलीवुड से बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट पर यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार।